वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में लैग्रेंजियस इंटरपोलेशन फार्मूला, ये टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसका सेकंड प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड वाई ऑफ 10 यूजिंग लैग्रेंजियस इंटरपोलेशन फार्मूला। देखो यहाँ पे एक्स और वाई का डाटा दिया है, ये डाटा का यूज करके हमें वाई ऑफ 10 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूले का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के वीडियो में आपको बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप याद से देख लीजिएगा। तो उसी फार्मूले से अगर इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम आपको फार्मूला बता देते हैं फिर से, ताकि आपको जो है समझ में आ जाए कि किस तरह से सॉल्व करना। और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। देखो ये है लैग्रेंजियस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। ये इसके लिए हमें ये फार्मूले का यूज करना है। देखो लैग्रेंजियस इंटरपोलेशन फार्मूला जो है ये आपके जो सामने है, ये यूज कहां पे होता है, क्यों होता है, वो आपको समझना है। देखो जो आज का प्रॉब्लम है उसमें क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड वाई ऑफ 10। ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था ये दूसरे तरह से भी आ सकता है। देखो दूसरा तरीका क्या है, देखो यही प्रॉब्लम एग्जाम में अगर आया तो कुछ ऐसा आ सकता है। देखो देखो ये है, देखो ये देखो सेम है, डाटा पूरा सेम है, क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर दिए। एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, दोनों आया तो भी वो लैग्रेंजियस इंटरपोलेशन से ही सॉल्व करना है और दोनों एक्चुअली एक ही है। बस डिफरेंस क्या है, देखो यहां पे जो एक्स और वाई का डाटा दिया है उसमें यहां देखो 10 के लिए ये वाई का वैल्यू मिसिंग है और वही ये जो कॉलम है वो कॉलम यहां से हटा दिया है और यहां पे सिर्फ लिखा है फाइंड वाई ऑफ 10, जबकि यहां लिखा है फाइंड द मिसिंग टर्म। यहां पे ये जो टर्म मिसिंग है ना ये फाइंड आउट करना है। तो कंफ्यूज नहीं होना, कुछ अलग नहीं है, ये भी वही है, ये भी वही है, दोनों प्रॉब्लम जो है वो एक ही है। ठीक है, एग्जाम में अलग अलग तरह से हो सकता है, कभी ऐसा आ सकता है कभी ऐसा आ सकता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। ये हमने आपको जानबूझ के अभी बताया क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है हम ये प्रॉब्लम का अभी हमने वीडियो में हम ये प्रॉब्लम कवर कर रहे हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं कि सर यही प्रॉब्लम एग्जाम में ऐसा आया था तो हमको नहीं जमा क्योंकि ये कुछ नया था। तो कुछ नया नहीं है, है वही, दोनों में डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है, जो हमने डिफरेंस है वो हमने आपको बता दिए। सिर्फ जो है क्वेश्चन जो शो करने का टेक्निक है वो अलग है, बाकी सॉल्यूशन पूरा सेम टू सेम रहेगा और हमें इसको सॉल्व करना है बाय लैग्रेंजियस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो ये जो लैग्रेंजियस इंटरपोलेशन फार्मूला है ये यूज होता है फॉर अनइक्वल इंटरवल और ये फार्मूले से हम मिसिंग टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर कोई भी वाई ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा यहां पे आप देख सकते हैं, ये देखो ये वाई ऑफ 10 निकालना है यानी वाई ऑफ एक्स, ये एक्स का वैल्यू है। देखो यहां पे 5, 6, 9, 10 यहां पे नहीं है ना, तो वो 10 यहां पे लिया है उसने और जबकि यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो यहां पे 5, 6, 9, 10 के बाद 11 ऐसा दिया है। तो इनडायरेक्टली यहां पे भी वाई ऑफ 10 निकालना है और यहां पे भी वाई ऑफ 10 निकालना है, मतलब पर्टिकुलर एक्स के वैल्यू के लिए कितना वाई का वैल्यू है वो निकालना है। ठीक है, समझ गए। और ये अगर आप एक्स की वैल्यू चेक करेंगे तो ये अनइक्वल इंटरवल में है। देखो 5, 6, 9, 11 ये नंबर जो है वो रैंडमली है, अनइक्वल इंटरवल है। तो ऐसे में यहां पे हम लैग्रेंजियस इंटरपोलेशन से सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले हमने इक्वल इंटरवल के लिए भी नंबर ऑफ वीडियोस बनाए थे और इक्वल इंटरवल वाले जो प्रॉब्लम है वो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से सॉल्व किए थे। इक्वल इंटरवल मतलब जैसे यहां पे दिया रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इक्वल इंटरवल, सभी के बीच में जो गैप है वो सेम रहेगा, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 सभी के बीच में गैप सेम रहेगा। और एक एग्जाम्पल जैसे 2, 4, 6, 8 तो सभी के बीच में जो है वो सेम गैप है, उसको कहते हैं इक्वल इंटरवल। तो अगर एक्स का डाटा अगर इक्वल इंटरवल में दिया है तो फिर आपको वहां मिसिंग टर्म फाइंड आउट करने के लिए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का यूज करो, लेकिन अगर अनइक्वल इंटरवल में दिया है तो फिर आपको लैग्रेंजियस इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे एक बात बताना चाहेंगे, ये जो लैग्रेंजियस इंटरपोलेशन फार्मूला है ये इक्वल इंटरवल में भी यूजफुल है और अनइक्वल इंटरवल में भी यूजफुल है, दोनों में काम करता है, लेकिन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल नहीं। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल सिर्फ इक्वल इंटरवल में काम करता है, अनइक्वल के लिए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आप यूज कर नहीं सकते, फिर उसके लिए आपके पास यही एक ऑप्शन है।
समझ में आया? ये हमने थोड़ा कुछ बेसिक बता दिए। चलो फार्मूले की तरफ आते हैं। तो ये फार्मूला काफी, ये बड़ा फार्मूला है, काफी सारे फ्रैक्शन है। देखो ये पहला फ्रैक्शन, दूसरा फ्रैक्शन, तीसरा, चौथा, अनगिनत फ्रैक्शन आप लिख सकते हैं। जितना एक्स का डाटा रहेगा उतने फ्रैक्शन आपको लिखना है। चार डाटा रहेगा तो चार फ्रैक्शन लिखना है, पांच डाटा रहेगा तो पांच फ्रैक्शन लिखना है, दस डाटा रहेगा तो दस फ्रैक्शन आपको ऐसे तैयार करना है, वाई जीरो का, वाई वन का, वाई टू का, वाई थ्री का, वाई फोर का, अप टू वाई एन, ठीक है। और इसमें देखो क्या यहां पे y इक्वल टू f ऑफ x होता है, ठीक है। तो अगर आपको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है एट x का वैल्यू जो भी है उसके ऊपर, तो आपको देखो फ्रैक्शन में क्या लिखना है, सभी में कॉमन क्या है वो समझ लो, फार्मूला कैसे याद रखना वो समझ लो। भले ही आपको फार्मूला बहुत बड़ा दिखता है लेकिन इसको अप्लाई करना प्रॉब्लम में, इसका यूज करके सॉल्व करना काफी आसान है। देखो न्यूमरेटर में अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे कॉमन है x माइनस x माइनस x माइनस, यहां पे भी देखो x माइनस, यहां पे भी देखो x माइनस है, सभी के न्यूमरेटर में x माइनस है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में चेक करो, डिनोमिनेटर में यहां पे देखो x0 है, x0 माइनस, यहां पे देखो x1 माइनस, यहां पे देखो x2 माइनस, फिर यहां पे आएगा नेक्स्ट x3 माइनस, फिर x4, ऐसा रहता है। यानी याद करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और ये जो फ्रैक्शन है ये x0 का फ्रैक्शन है, क्या कहा, ये फ्रैक्शन x0 का फ्रैक्शन है। तो अगर ये फ्रैक्शन x0 का है तो यहां कहीं पे भी आपको x0 नहीं मिलेगा। देखो यहां पे क्या लिखा है, x1 लिखा है, फिर x2 लिखा है, फिर x3 आएगा, फिर x1 आएगा, x0 है क्या यहां, नहीं। यहां पे भी देखो यहां x1 है, यहां x2 है ना, फिर x3 आएगा, x4 आएगा, x0 है क्या यहां पे, नहीं। यहां पे है, वो हम इसको नहीं बोल रहे, हम यहां पे बोल रहे हैं, यहां देखो यहां x0 है क्या, नहीं, यहां x1 है, x2 है, x3, इस तरह से। तो x0 के फ्रैक्शन में, ठीक है, ये टर्म में आपको x0 नहीं यूज करना है। और ये x1 वाला फ्रैक्शन है, अगर ये x1 वाला फ्रैक्शन है तो यहां पे आपको x1 यूज नहीं करना है। देखो x0 है, फिर सीधा x2 है, x1 नहीं है, देखो x0 है, फिर x2 है, फिर x3 आएगा, फिर x4 आएगा, इस तरह से। ये जो फ्रैक्शन है ये x2 का फ्रैक्शन है, अगर ये x2 का फ्रैक्शन है तो यहां कहीं पे भी x2 नहीं मिलेगा। देखो ये x0 है, ये x1 है, सीधा x3 है, x2 नहीं मिलेगा, इस तरह से, ठीक है। तो याद करना आसान है। चलो फाइनली हमने फार्मूले के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी है, चलो इसको यूज करना बताते हैं कैसे यूज करना। और ये प्रॉब्लम भी हमने आपको बता दिए कि एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक वे से आ सकता है, तो इनडायरेक्टली दोनों जो है वो एक ही प्रॉब्लम्स है और हमें दोनों को एक ही तरह से सॉल्व करना है। तो चलो फाइनली अब हम जो है यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे y ऑफ 10 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बाय लैग्रेंजियस इंटरपोलेशन फार्मूला हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम यहां लिख लेंगे बाय लैग्रेंजियस इंटरपोलेशन फार्मूला, एक मिनट, यहां पे लिखा हुआ है, हम इसी को डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं ताकि समय बचे। देखो ये फार्मूला का हम यहां पे यूज कर रहे हैं, तो हमने यहां पे लैग्रेंजियस इंटरपोलेशन फार्मूला से हम सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा हमने यहां लिख लिया। अब देखो यहां पे कैसे फार्मूला यूज होता है और कैसे फ्रैक्शन तैयार करना, कितने फ्रैक्शन तैयार करना है यहां पे। तो यहां पे जो है हम देखो यहां टोटल चार फ्रैक्शन बनेंगे, चार फ्रैक्शन, क्योंकि x का डाटा अगर चेक करो तो x का डाटा 1 2 3 4 फोर डाटा दिया है, यानी चार फ्रैक्शन तय है। देखो फ्रैक्शन किस तरह से बनना ये समझ लेना, जिसको जो स्टूडेंट को फ्रैक्शन समझ गया, माने फ्रैक्शन में क्या क्या लिखना है वो जो स्टूडेंट को समझ गया ना, उसके बाद का कैलकुलेशन पार्ट तो बहुत आसान है, कैलकुलेशन में डिफिकल्टी नहीं है। आपको जो है टाइम स्पेंड करना चाहिए फ्रैक्शन लिखने के लिए। तो देखो सबसे पहले यहां पे पहला फ्रैक्शन देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, काफी लंबा हो सकता है इसलिए हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फ्रैक्शन में हम टाइम स्पेंड करने वाले हैं, ये पहला फ्रैक्शन आएगा, ठीक है, इनटू, ठीक है, फिर यहां पे प्लस दूसरा फ्रैक्शन आएगा, ठीक है ना, इनटू, ठीक है, प्लस ये तीसरा फ्रैक्शन आएगा, ठीक है, और इनटू, ठीक है, उसके बाद प्लस, चलो एक और फ्रैक्शन आएगा, अब देखो जगह फिर भी कम पड़ी है ना, प्लस ये लास्ट फ्रैक्शन जो है वो हम नीचे लिख लेंगे, ये देखो लास्ट फ्रैक्शन यहां आएगा इनटू। अब देखो यहां पे फ्रैक्शन में क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो जैसा हमने कहा इसके पहले के जो हमने फार्मूला बताया, इसमें न्यूमरेटर में क्या है, x माइनस x माइनस x माइनस है ना, x माइनस x माइनस है। तो यहां पे x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू है यहां पे 10। देखो y ऑफ 10 मतलब x के ये वैल्यू के लिए, x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब x का वैल्यू 10 है, मतलब न्यूमरेटर में यहां पे हर जगह x माइनस ऐसा आएगा, यहां पे भी देखो हर जगह x माइनस ऐसा आएगा, यहां पे भी देखो x माइनस ऐसा आएगा, यहां पे भी देखो x माइनस ऐसा आएगा, कंफर्म है, कंफर्म है, ठीक है। अब x का वैल्यू आप अगर आप यूज कर रहे हैं तो x का वैल्यू हर जगह लिखो, x का वैल्यू क्या है 10, तो अगर x का वैल्यू 10 है तो हम यहां पे लिख लेंगे 10 माइनस, यहां पे भी आएगा 10 माइनस, यहां पे भी आएगा
10 माइनस, अब 10 माइनस क्या आएगा वो भी हम आपको बताते हैं, 10 माइनस आएगा ये कंफर्म है, और कितने ब्रैकेट आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया, अब यहां पे सबसे पहले आपको x0, x1, x2, x3 उसी तरह से y0, y1, y2, y3 मार्क कर लेना है, ताकि देखो हम आपको लिख के देते हैं ताकि आपको प्रॉपरली ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये देखो ये जो वैल्यू है ये है x0, है ना, ये जो वैल्यू है ये है x1, ये जो वैल्यू है ये है x2, ये जो वैल्यू है ये है x3, समझे, ओके। x0 क्या है, x1, ये x2 और ये x3, उसी के साथ साथ ये है y0, है ना, फिर ये है y1, ठीक है, ये है y2, ठीक है, और ये है y3, समझ गए। x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3, ये हमने क्यों बताया, वो इसलिए बताया क्योंकि यहां देखो फार्मूले में पहले फ्रैक्शन को y0 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे फ्रैक्शन को y1 से, तीसरे फ्रैक्शन को y2 से, नेक्स्ट फ्रैक्शन को y3 से, इस तरह से, है कि नहीं। तो चलो मल्टीप्लाई करा देंगे बहुत ही आसानी से, पहले फ्रैक्शन को y0 से, y0 क्या है 12, तो पहले फ्रैक्शन को 12 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे फ्रैक्शन को y1 से, y1 यानी 13, देखो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे फ्रैक्शन को y2 से यानी 12 से, तो सॉरी इंटू 14, ठीक है, नेक्स्ट टर्म y2 का 14 है, उसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन को y3 से, y3 यानी 16, तो देखो इस तरह से है, ये y0, ये y1, ये y2, ये y3, समझ गए, ओके। चलो ये हमने लिख लिए, ये लिख लिए, अब इसके बाद हमने क्या कहा था, हमने कहा था ये जो फ्रैक्शन है ये x0 का फ्रैक्शन है, तो यहां हर जगह x0 माइनस x0 माइनस है, है ना, ये x1 का फ्रैक्शन है तो यहां x1 माइनस x1 माइनस है, ये x2 का फ्रैक्शन है तो x2 माइनस x2 माइनस है डिनोमिनेटर में, है ना, तो हम वही करने वाले हैं। तो ये देखो ये x0 का फ्रैक्शन है तो x0 माइनस आएगा डिनोमिनेटर में, x0, x0 का वैल्यू क्या है, x0 का वैल्यू देखो 5 है, तो यहां आएगा 5 माइनस, यहां के सभी ब्रैकेट 5 माइनस 5 माइनस आएंगे, ठीक है। ये सेकंड फ्रैक्शन जो है ये x1 का फ्रैक्शन है तो x1 का वैल्यू क्या है 6, तो यहां 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस ऐसा आएगा, ठीक है। और ये जो फ्रैक्शन है ये x2 का फ्रैक्शन है तो यहां x2 का वैल्यू क्या है 9, तो यहां पे सभी के सभी 9 माइनस 9 माइनस ऐसा आएगा, और लास्ट में ये x3 का फ्रैक्शन है, x3 का वैल्यू 11 है तो 11 माइनस 11 माइनस ऐसा आएगा, समझ में आया क्या, ओके। अब इसके बाद ये हो गया, देखो कॉमन चीजें, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, फार्मूला कैसे अप्लाई करना वो हम आपको बता रहे, बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। अब यहां पे क्या है देखो, अब इसके बाद यहां पे हमने क्या कहा था, ये x0 का फ्रैक्शन है तो यहां कहीं पे भी x0 नहीं है, देखो यहां x0 है क्या नहीं, यहां x0 है क्या नहीं, x1 है, x2 है, इस तरह से, है ना, मतलब यहां पे x0 नहीं मिलेगा, यहां पे भी x0 नहीं मिलेगा, है ना, यहां ये x1 का फ्रैक्शन है तो यहां x1 नहीं मिलेगा, x0 मिलेगा, सीधा x2 मिल जाएगा, फिर x3 मिल जाएगा, x1 नहीं मिलेगा। उसके बाद ये जो फ्रैक्शन है ये x2 का फ्रैक्शन है तो यहां पे x2 नहीं मिलेगा, देखो यहां x0 मिलेगा, x1 मिलेगा, सीधा x3 मिलेगा, x2 नहीं मिलेगा, तो यहां पे भी बिल्कुल वही करना है, बिल्कुल सेम। चलो तो यहां पे ये x0 का फ्रैक्शन है तो आपको यहां पे कहीं पे भी x0 नहीं लिखना है, x0 मतलब क्या है 5, आपको 5 नहीं लिखना है, x0 छोड़ के x1 x2 x3 लिखना है, मतलब 6 9 11, बस यहां पे 10 माइनस 6 10 माइनस 9 एंड 10 माइनस 11, ये देखो, ओके। तो ये x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3, ठीक है, इस तरह से यहां पे भी नीचे आपको बिल्कुल सेम रखना है, ये x0 माइनस x1, ठीक है, x0 माइनस x2, ठीक है, और x0 माइनस x3, ये देखिए इस तरह से, ओके, है ना, ये x1 का वैल्यू, ये x2 की वैल्यूज और ये x3 की वैल्यूज, कहीं पे भी x0 है क्या नहीं, यहां पे x0 नहीं है, ये x1 का, ये x2 का, x3 का, ये फ्रैक्शन पूरा हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे आते हैं, यहां पे तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये x1 का फ्रैक्शन है, तो अगर ये x1 का फ्रैक्शन है तो यहां कहीं पे भी x1 नहीं आएगा, x0 आएगा, सीधा x2 आएगा, फिर सीधा x3 आएगा, x0 x2 x3, तो चलो x0 क्या है 5, और फिर x2 और x3 मतलब 5 9 11 आएगा, तो 10 माइनस 5 10 माइनस 9 एंड 10 माइनस 11, थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा है, ठीक है, एक मिनट, यहां पे लिख रहे हैं 10 माइनस 11 और इंटू 13 यहां पे लिख लेते हैं, ये देखो बस डिनोमिनेटर में भी वही 5 9 11 आपको लिखना है, तो ये 6 माइनस 5 6 माइनस 9 6 माइनस 11, ये देखो, ठीक है, ओके, x माइनस ये x0, फिर x माइनस x2, फिर x माइनस x3, और नीचे ये x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, इस तरह से, समझ में आया, ओके।
ये दूसरा फ्रैक्शन तैयार हो गया। चलो तीसरे फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं, एक मिनट थोड़ा सा इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता था ये बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन फिर भी देखो जगह कम पड़ रही है। ठीक है, चलो दो फ्रैक्शन तैयार हो गए, तीसरे फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। ये जो तीसरा फ्रैक्शन है ये x2 का फ्रैक्शन है, तो अगर ये x2 का फ्रैक्शन है तो कहीं पे भी x2 नहीं आना चाहिए, x0 से स्टार्ट करना, x0, x1, सीधा x3, x2 नहीं आएगा। ठीक है, तो x0 से स्टार्ट करो, x0 क्या है 5, तो 10 माइनस 5, उसके बाद x1 क्या है 6, सो 10 माइनस 6, अब सीधा x3 पे जंप करो 10 माइनस 11, ठीक है, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x3 सीधा, और वही 5, 6, 11 नीचे भी रखो सेम, 5, 6, 11 नीचे भी आएंगे, सो 9 माइनस 5, 9 माइनस 6, 9 माइनस 11, ठीक है, यानी x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, ऐसा है। ठीक है, चलो तीसरा फ्रैक्शन भी बन गया, अब बस लास्ट फ्रैक्शन रह गया, बस लास्ट फ्रैक्शन में, ये लास्ट फ्रैक्शन x3 का फ्रैक्शन है, तो अगर ये x3 का फ्रैक्शन है तो उसमें x0 आएगा, x1 आएगा, x2 आएगा, x3 नहीं आएगा, तो ये मतलब 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, तो हम यहां लिख लेंगे 10 माइनस 5, 10 माइनस 6 एंड 10 माइनस 9, इस तरह से, और डिनोमिनेटर में भी 11 माइनस 5, 11 माइनस 6, 11 माइनस 9, ठीक है, इस तरह से। इसका मतलब ये हो गया x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, ठीक है, और डिनोमिनेटर में x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2, ऐसा है, समझ गए। तो फाइनली जो हमने आपको फार्मूला बताए थे, ये वाला फार्मूला, इसका हमने यूज कर लिए, कितने फ्रैक्शन बनाए, चार फ्रैक्शन बनाए, क्योंकि चार डाटा दिया था, जो तरह से हमने आपको फार्मूला समझाए थे उसी तरह से हमने यहाँ पे पूरा डाटा लिखा है और पूरी फ्रैक्शंस तैयार कर लिए। बस अब आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके यहाँ पे जो भी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो प्रॉब्लम पूरा हो जाएगा। तो इसको जो है आप पूरा का पूरा एज इट इज चाहे तो कैलकुलेटर में पुट करो, ये पूरा एज इट इज रखो, या फिर आप इसको स्टेप वाइज सॉल्व करो। चलो अगर हमें स्टेप वाइज सॉल्व करना है तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे, ये फ्रैक्शन में देखो 10 माइनस 6 यानी ये 4, ठीक है ना, 10 माइनस 9 यानी 1, 10 माइनस 11 यानी माइनस 1, और डिनोमिनेटर में 5 माइनस 6 माइनस 1, ये हो गया माइनस 4, ये हो गया माइनस 6, ठीक है, इंटू 12, फिर अपन बाद में इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। उसके बाद प्लस यहाँ पे ये 10 माइनस 5, 5, फिर ये 1 और फिर ये माइनस 1, फिर डिनोमिनेटर में ये माइनस 1, ये माइनस 3 एंड ये माइनस 5, ठीक है ना, इंटू 13, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन में प्लस ये हो जाएगा 5, देन 4, देन माइनस 1, और डिनोमिनेटर में ये 4, देन 3 एंड माइनस 2, ठीक है, इंटू 14, ठीक है। और अब लास्ट फ्रैक्शन बनाते हैं, लास्ट फ्रैक्शन चलो नीचे लिखते हैं, प्लस लास्ट फ्रैक्शन का ये 5, फिर ये 4, फिर ये माइनस, सॉरी माइनस नहीं, फिर ये 4, सॉरी 1, और डिनोमिनेटर में ये आएगा 6, देन ये आएगा 5, और देन ये आएगा 2, इंटू 16, ठीक है। बस अब इसको कैलकुलेटर में हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। जैसे हमने पूरा का पूरा ये अगर हम सॉल्व करेंगे 4 इंटू 1 इंटू 1, यानी ये न्यूमरेटर में माइनस 4 इंटू 12, ठीक है, और एक स्टेप इंक्रीज करना है तो चलो लिखते हैं, ये हो जाएगा माइनस 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाय, है ना, 6 4 ये 24, माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस 24, देखो ये ऐसा हैगा पहले फ्रैक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जाएंगे, एक काम करते हैं, ये पहले जो दो माइनस माइनस है इनको हम कट कर लेंगे, क्योंकि वो माइनस माइनस कट जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ आते हैं, तो ये क्या होगा, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 इंटू 13 माइनस 15, माइनस 5 इंटू 13 हो जाएगा, ठीक है, मतलब हम सामने माइनस लगा देंगे, माइनस 5 इंटू 13 और डिवाइडेड बाय ये 5 3 जा 15 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इस तरह से। ये तो ये हो गया सेकंड फ्रैक्शन। उसके बाद थर्ड में चलते हैं, तो ये 5 4 जा 20, 20 14 जा हो जाएगा, माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, मतलब ये प्लस आ जाएगा, ठीक है, 5 4 जा ये 20 इंटू 14 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है, इस तरह से। और लास्ट इसमें अगर हम चले तो लास्ट इसमें आएगा 5 4 जा ये 20 अगेन, 20 इंटू न्यूमरेटर में 16 और डिनोमिनेटर में ये 6 5 जा 30, 30 2 जा 60, इस तरह से। बस इनको यहाँ पे सॉल्व करो तो इसका आंसर आएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 13 बाय 15, तो ये आंसर आएगा 4.333 माइनस में,
4.333, इसका आंसर प्लस में आएगा, ठीक है, 20 × 14/24, तो ये आंसर आएगा 11.666, और लास्ट वाले का आंसर आएगा 20 × 16/60, तो लास्ट वाले का आंसर आएगा 5.333 प्लस में। और अब ये तीनों को प्लस माइनस, ये चारों को प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पे आंसर आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ लिखना है y ऑफ 10, देखो लेफ्ट हैंड साइड हमने नहीं लिखे, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, देखो लेफ्ट हैंड साइड में y ऑफ 10 लिखना है क्योंकि हमें y ऑफ 10 के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, ठीक है ना, तो y ऑफ 10, x का वैल्यू 10 था, सो फाइनली y ऑफ 10 यहाँ पे हमें मिल रहा है, सो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर y ऑफ 10 क्या आएगा, ये चारों को प्लस माइनस करने के बाद आएगा 14.666, ठीक है, तो ये आंसर आएगा, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। देखो ये फाइनली हमें आंसर मिल चुका है, आंसर आ चुका है 14.666 का आंसर आया है, ठीक है। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है प्रॉपरली, हम यहाँ लिखते हैं कि देयरफॉर y ऑफ 10 क्या आया है, 14.666 ये आंसर आया है। और फाइनली क्वेश्चन में जो मिसिंग टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा था, मतलब x के लिए y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो x का वैल्यू था 10, है ना, ये x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू निकालने के लिए कहा था, तो हमने वो निकाल लिए, y ऑफ 10 मिला है 14.666, और इस तरह से ये पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, ये हमने सॉल्व कर लिए बाय लैग्रेंजियस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम, पूरी स्टेप्स, हर एक चीज आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी अगर डाउट है, तो आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, तब आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था लैग्रेंजियस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।